सब्जी जब बनाते हैं, सब्जी सूख गई फिर पानी डाल दिया, सब्जी सूख गई फिर पानी डाल दिया, तो सब्जी का बेस्वादी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार हमसे कह दें, लेकिन सब्जी का स्वाद मत बिगाड़िए। गुना में पिछले दिनों राजनीतिक रंजिश में सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही यादव समाज आक्रोशित है। शनिवार को यादव समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही समाज के सैकड़ों युवाओं ने मृतक लक्ष्मी नारायण यादव की तस्वीर हाथ में लेकर जुलूस निकाला। नाराज लोगों की मांग थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। परिजनों ने एसपी से शिकायत करते हुए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही है, लेकिन एसपी साहब इस दौरान आक्रोशित समाज के लोगों को सब्जी बनाने की विधि समझाते दिखे। होता क्या है कि कोई मूल चीज मतलब थी, मूल चीज में पता है 5 गुना हम अतिरिक्त चीज डाल देंगे, कहीं चिन्हित प्रकरण जो है अचिन्हित में ना आ जाए, तो एक गलत ध्यान देंगे। मुझे चिंता केवल उस व्यक्ति की है, उस बच्चे की है जिसकी हत्या हुई है। हमें ईश्वर को जवाब देना है, इसे देना है, क्योंकि हम प्रकरण वो बनाना चाहते हैं ताकि न्यायालय सर्वाइव कर जाए। हम सब्जी जब बनाते हैं, सब्जी सूख गई फिर पानी डाल दिया, सब्जी सूख गई फिर पानी डाल दिया, तो सब्जी का बेस्वादी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार हमसे कह दें, लेकिन सब्जी का स्वाद मत बिगाड़िए। पॉइंट आपको पता चल गया? नहीं नहीं, मुझे पॉइंट पड़ गया। मैं जो कह रहा हूं, देसी भाषा में कह रहा हूं, सब्जी का स्वाद मत बिगाड़िए, नहीं सब्जी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पंच लोग, आप बेहद पढ़े लिखे इंसान, मैं सादर सम्मान करता हूं, मुझे मालूम है कि हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये केस मान्य न्यायालय में कैसे सर्वाइव होगा, इस पर आप और हमें चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा ये जो पीढ़ी है आप और हमें जवाब नहीं दे पाएगी, ना आपको जवाब दे पाएगी ना हमें दे पाएगी, क्योंकि हमें ऊपर वाले जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से उन्होंने 2 बार एसपी को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एसपी ऑफिस भी वारदात होने के दूसरी बार ज्ञापन देने आए, क्योंकि पहली बार में भी जो हमने जो नाम 9 नाम दिए थे गुर्जर समाज के, उन्हें आज तक उनमें से सिर्फ 4 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 5 फरार हैं। इसलिए सर्व समाज से आज फिर ज्ञापन देना पड़ रहा है कि 5 लोगों को और गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि अन्य लोग और कौन थे, क्योंकि वो 9 से भी ज़्यादा संख्या में थे। आप कौन हैं? मैं उनका ताऊ जी का लड़का हूँ छोटा। क्या नाम है? भाई सतीश यादव। अच्छा, अभी कितने लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें। नहीं, और क्या मांग रखी है आपने? हमने एसपी साहब से तो यही कहा है अभी कि आप 9 के 9 अपराधियों को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो कि और अगले कौन थे, इसके अलावा उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं तो उनसे सबूत भी मिटा रहे हैं वो बाहर रह के और सबको धमका रहे हैं। बता दें कि आरोप है कि आरोपियों ने लाठियों से पीट पीट कर लक्ष्मी नारायण यादव की हत्या कर दी थी। दोनों पक्षों के बीच सरपंच पद के चुनाव के बाद से ही राजनीतिक रंजिश चल रही थी, इसको लेकर लक्ष्मी नारायण की हत्या की गई। फिलहाल समाज का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। एमपी तक।